नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आसमान से गिरा आग का गोला, एक महिला के बगीचे में अंतरिक्ष से आग का गोला गिरा है। गिरने के बाद वहां आग का गोला कई टुकड़ों में बिखर गया है। इसने बगीचे में रखी हुई एक टेबल को भी दोस्तों डैमेज कर दिया है। रात के समय अचानक से हुई तेज आवाज सुनकर वह महिला जाग गई। इसके बाद वह बुरी तरीके से डर गई। अगले दिन सुबह जब वह बगीचे की ओर गई तो वहां का नजारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई है। ये नजारा आप देख सकते हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने 9 और 10 सितंबर की रात में एक चमकीली वस्तु को पृथ्वी पर गिरते हुए देखा है। वह रहस्यमय चीज जिसे देखकर महिला भी डर गई थी, जिसको लेकर उस महिला ने दावा किया कि उसने एक तेज आवाज सुनी है। अगले दिन वह जांच करने के लिए बाहर गई और उसे चट्टान के टुकड़े मिले। ये टुकड़े कई उल्कापिंड थे। दोस्तों, खोज की एक रिपोर्ट करने के बाद स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ फ्रांस की एक टीम जांच करने गई तो पता चला कि अजीब तरह से गिरने वाली वस्तु एक उल्कापिंड थी। वहीं एक समाचार एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि तुरंत हम निकल पड़े और जब हम वहां पहुंचे तो हमें तुरंत यकीन हो गया कि वह उल्कापिंड के टुकड़े थे, क्योंकि उनमें एक उल्कापिंड होने की सभी विशेषताएं थी। टीम ने पाया कि गिरने के बाद उल्कापिंड 3 टुकड़ों में बट गया, जिनका कुल वजन लगभग 0.7 किलोग्राम था। बर्फ और चट्टान से बने उल्कापिंड तेज गति से जमीन की ओर बढ़ने पर गर्म हो जाते हैं। बावले का मानना है कि हालांकि यह छोटा था, लेकिन जब यह पृथ्वी से टकराया तो इसकी गति कई 100 मील प्रति घंटे थी। उन्होंने कहा, वहां कोई गड्ढा नहीं था, लेकिन इससे एक मेज टूट गई है। फिलहाल वैज्ञानिक उल्कापिंडों के टुकड़ों को लैब में ले गए हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां एक आग का गोला गिरा है, जिसके बाद महिला भी डर गई है। बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका और पेरिस के अंदर भी उल्कापिंड गिरते हुए देखा गया है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। इन दिनों आसमान बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि कभी उल्कापिंड तो कभी सौर तूफान पृथ्वी पर आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर सुनता रही है। अगर आपने पहले कभी उल्कापिंड देखा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब